लिया था पहले, ये देख लो बच्चे क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में हमने। अच्छा लास्ट क्लास में हमारी वीडियो थोड़ी हैंग कर रही थी और हम ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ रहे थे ना, तो अच्छे आज इसे आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस पढ़ रहे थे हम। तो भाई प्रथम ओम बताएगा, ओम फॉरवर्ड बायस क्या होता है बताओ भाई, ओम बोलो भाई। फॉरवर्ड बायस ये होता है जिसमें हम, जैसे डायोड है अगर हमारे पास, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, इसको हम पी साइड कहते हैं, इसको हम एन साइड कहते हैं। अगर पॉजिटिव पी से कनेक्टेड है और नेगेटिव एन से कनेक्टेड है तो दिस सिस्टम इज नोन एज फॉरवर्ड बायस। और रिवर्स बायस क्या होता है, रिवर्स बायस ये होता है जैसे हमारे पास ये एक डायोड है, इसको हम लोग पी साइड कहते हैं, इसे एन साइड। अगर ये ऐसा उल्टा कनेक्टेड है तो हम ये इसे कहते हैं रिवर्स बायस। तो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में काफी कुछ पढ़ा था, खैर वैसे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं होती बच्चे, मेन चीज यही होती है कि फॉरवर्ड बायस में करंट अच्छा खासा मिलता है, करंट का अमाउंट ज्यादा होता है, और रिवर्स बायस में करंट का जो अमाउंट होता है काफी कम होता है। आज देख रहे होगा अच्छा लिखने में लैग नहीं कर रहा होगा, जो आपके स्क्रीन पे आज लैग नहीं कर रहा होगा, वरना लैग करता है वो। ठीक है, करंट का जो अमाउंट है फॉरवर्ड बायस में काफी ठीक ठाक होता है, जबकि रिवर्स बायस में जो करंट का अमाउंट है काफी कम होता है। तो ये हम पढ़ते हैं अच्छे, बाकी हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे लास्ट क्लास में, ये सारा का सारा स्क्रीन है, पढ़े थे सारे के सारे पॉइंट्स, सर्किट भी पढ़ा था, ये दोनों डायग्राम है, ये सर्किट डायग्राम है। और सर्किट डायग्राम में हमने बताया था आपको स्टडी करते हैं हम फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस की। तो देखो चे, हमने काफी कुछ जान लिया और इसमें हमें समझ में आया, एक चीज समझ में आई कि जैसे यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है बाकी डिवाइस से अगर कंपेयर करें इसका, तो यहाँ पर अगर आप डिवाइस को अगर उल्टा कनेक्ट कर देते हो तो बहुत डिफरेंस हो जाता है, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, मतलब सेम चीज नहीं है कि अगर आप सीधा या उल्टा कनेक्ट कर रहे हो तो सेम चीज नहीं है, बहुत डिफरेंस है इस चीज का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, तो देखो चे, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं इनका, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। जैसे आपने फॉरवर्ड बायस से कनेक्ट किया, ये फिगर है, जैसे हम लोग ओम्स लॉ पढ़ते थे, ये फॉरवर्ड बायस है, इसका ग्राफ ये है और ये रिवर्स बायस है। इसकी हमने स्टडी की, एक तो पहला तो हमने स्टडी किया हमने कैसे भाई, ये वोल्टेज को वेरी करोगे, वोल्टेज के साथ साथ करंट भी चेंज होगा, तो हम वीआई ग्राफ या आईवी ग्राफ बनाएंगे, खासकर कह सकते हैं आईवी आईवी ग्राफ, वीआई ग्राफ तो नहीं, आईवी ग्राफ बनाएंगे करंट और वोल्टेज, किसका, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का। तो जो ये जब हम लोग फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की स्टडी करते हैं तो उसका ऐसा सा ग्राफ आता है, ये जो ग्राफ आपके सामने है, ये जो ग्राफ है ये फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का ग्राफ है, आरएच राइट हैंड साइड पे, और इसमें से ये ऊपर वाला जो है ये फॉरवर्ड का है, इस साइड वाला, और ये जो नीचे वाला है ये रिवर्स का है। हाँ अच्छा बोलो बोलो, नीचे मतलब हाँ चेक मिनट, अच्छा ऊपर कर दे, तो ये ग्राफ है एक्चुअली बेसिक फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के। तो इसमें आपको एक चीज गौर करने की बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, कि फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पेयर में करंट है और रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पेयर में करंट मिलता है। अच्छा क्वेश्चन ये आता है बच्चे, कहते हैं सर ये ग्राफ पहले तो आईवी ग्राफ क्यों, आईवी और वीआई ग्राफ में क्या फर्क होता है, कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईवी ग्राफ वर्सेस वीआई ग्राफ। बोलो भाई, एक्सेस बदल जाते हैं क्या, हाँ हाँ अच्छा एक्सेस बदल जाते हैं, बट एक्चुअली क्या है कि कोई बच्चा बताएगा आप में से कि जैसे हम आईवी ग्राफ या वीआई ग्राफ की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, आईवी ग्राफ या वीआई ग्राफ में एक्सेस तो बदलते हैं, मतलब मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या है आईवी और वीआई ग्राफ का। हाँ भाई जिया बोलो, जिया बोलो 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 जिया,
बोलो अच्छी बोलो। चलो देखते हैं, हम ही बता देते हैं यार। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम ग्राफ की बात करते हैं, चाहे कोई सा भी ग्राफ हो, आईवी ग्राफ, वीआई ग्राफ, तो ये ग्राफ होता है। इसमें ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वो चीज होती है जिसको हम चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं, और वाई एक्सिस की हम स्टडी करते हैं। तो वैसे आप 10th क्लास में वीआई ग्राफ पढ़ते थे, जो कि गलत था। मतलब ये नहीं है होता है, एक्चुअली आईवी ग्राफ ही होता है। मतलब क्या होता है कि आमतौर पे हम वोल्टेज चेंज करते हैं, वोल्टेज को चेंज करते हैं और करंट की स्टडी करते हैं उसमें, कि करंट कैसे चेंज हो रहा है। जैसे ये देखो नीचे, यहाँ एक्स एक्सिस पे वोल्टेज है और वाई एक्सिस पे करंट है। वोल्टेज हम चेंज करेंगे और देखेंगे कि करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। कैसे चेंज करेंगे वोल्टेज, कोई बच्चा बताएगा आप में से? बोलो भाई, कैसे चेंज करोगे वोल्टेज? बैटरी है ना, हमारे पास वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है ना, बैटरी हमारे पास वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, उससे आप वोल्टेज चेंज करोगे, करंट पे फर्क देखोगे। समझे नहीं समझे? बोलो बच्चे बोलो। ये बैटरी इलिमिनेटरी थे बच्चे, जो हमारे पास ऊपर था वेरिएबल वोल्टेज सोर्स, बताया था आपको लास्ट क्लास में। ये जो दिख रहा है ना, ये वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज, वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है ये। चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है, रिवर्स, ये रिवर्स का है। अब इसको हम लोग डीपली स्टडी करते हैं। ये जूम आउट कैसे होगा भाई? अच्छा ऐसे 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 होगा, कोई नहीं, हो गया। अच्छे हाँ, हो गया अच्छे, दिख रहा है? तो ये ग्राफ क्या है अच्छे, ये मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स बायस का ग्राफ है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला ग्राफ देखते हैं, ये वाला फॉरवर्ड वाला, ये वाला हिस्सा। तो इसमें कुछ खास बात है अच्छे, ये देखो, ये एक्स एक्सिस पे वोल्टेज दी हुई 0.2, ये 0.2 वोल्टेज, 0.4, 0.6। तो जब हम लोग फॉरवर्ड बायस का ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये देखते हैं कि वोल्टेज कैसे बढ़ा रहे हैं। तो एक चीज देखने में आती है कि स्टार्टिंग में कुछ वोल्टेज तक तो करंट ना के बराबर मिलता है। देखो जैसे इस ग्राफ में देखो, 0.2 वोल्टेज है करीब करीब, बट कोई करंट नहीं मिल रहा है। कोई करंट मिल रहा है? नहीं मिल रहा। वाई एक्सिस पे कुछ है? नहीं है। 0.4 वोल्टेज है, कोई करंट नहीं है। 0.6 वोल्टेज पे करंट चालू हो रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ से वोल्टेज, यहाँ से करंट चालू हो रहा है। फिर एकदम से करंट बहुत तेजी से बढ़ गया। अब ये जो ग्राफ है नॉन ओहमिक है। अभी नॉन ओहमिक क्या होता है भाई? ओहम्स लॉ वाला ग्राफ कैसा होता है? लीनियर होता है भाई। वी और आई ग्राफ, ये हम पढ़ते थे अपनी 10th क्लास में, ये वी आई ग्राफ, ये ऐसा लीनियर होता है, ये लीनियर है। क्या ये ग्राफ लीनियर है नेचर में? लीनियर है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये ग्राफ जो है ये नॉन लीनियर ग्राफ है, इसे कहते हैं नॉन लीनियर ग्राफ। क्यों है नॉन लीनियर? ऑब्वियस सी बात है यार, सेमीकंडक्टर का ग्राफ है। सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ कहाँ ओबे करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हो सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ। बट इसमें ये खास बात क्या है, ये 0.6 वोल्टेज तक आपने देखा कि यहाँ 0.6 वोल्टेज तक तो करंट ही नहीं मिला, बिल्कुल भी करंट नहीं था सर्किट में। इस वोल्ट को हम कट इन वोल्टेज कहते हैं, नी वोल्टेज कहते हैं, जिस वोल्टेज तक करंट होता ही नहीं सर्किट में, बिल्कुल करंट नहीं होता, इसे हम कट इन वोल्टेज और नी वोल्टेज कहते हैं। समझे बच्चों? समझे नहीं समझे? पढ़े एक बार, रीड करें। व्हेन अ डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज द करंट इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली इवन वेरी स्मॉल चेंज दिस वोल्टेज इज नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज। थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कट इन वोल्टेज, नी वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है ये 0.2 जर्मेनियम के लिए होती है और 0.7 सिलिकॉन के लिए होती है। अगर आप सिलिकॉन डायोड यूज करते हो तो 0.2 है, और जर्मेनियम का वेफर यूज करते हो, जर्मेनियम में डॉपिंग करके बनाते हो, तो ये 0.7 होती है। तो ये बच्चे देखा गया है इसके अंदर हमने। तो खैर अगर देखते हैं हम लोग थोड़ा सा ग्राफ को फिर से, इसे जूम करके क्या है। देखो जैसे मान लो ये, जैसे
जैसे मान लो ये है कि जैसे ये है आप वोल्टेज आप क्या करते हो, डायोड को आपने लगाया सर्किट में, डायोड को अपने सर्किट में लगाया, ऐसे कनेक्ट किया यू, ठीक है, और ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है, ये फॉरवर्ड बायसिंग की गई है क्योंकि हम फॉरवर्ड बायस का ग्राफ पढ़ रहे हैं, तो ये वेरिएबल वोल्टेज सोर्स है। वेरिएबल वोल्टेज सोर्स में ना आपके हाथ में एक नॉब होता है, ये नॉब है, वोल्टेज बढ़ा सकते हो आप, ये नॉब घुमाना चालू करोगे तो धीरे धीरे ऑन करोगे, पहले तो वोल्टेज बढ़ाओगे 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, तो देखोगे जब वोल्टेज कम होती है सर्किट में जो करंट होगा वो नेग्लिजेबल होगा। एमीटर, यहाँ मान लो एमीटर लगा हुआ है, यहाँ एमीटर लगा हुआ है, तो ये एमीटर लगा हुआ है, तो एमीटर की रीडिंग ना के बराबर है, बट जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते 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 एक लिमिट आ जाती है, उसके बाद एकदम से करंट की वैल्यू दिखने लग जाती है, बस ये बता रहे हैं अच्छे। और रही बात इसकी कि ये वैल्यू अलग अलग क्यों होती है, देखो अच्छे हमने आपको बताया था कि ये हम पढ़ रहे हैं पीएन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, तो पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, उसमें नॉर्मली जैसे सिलिकन है, एक साइड ट्राइवेलेंट डोपिंग कर दी, एक साइड पेंटावेलेंट डोपिंग कर दी, तो एक बन गया पी एक बन गया एन, बट सिलिकन, अगर सिलिकन हो सकता है वेफर किसका यूज करो, सिलिकन यूज करो मेनली पहले, उसका डॉपिंग करो, हो सकता है आप सिलिकन ना यूज करके जर्मेनियम यूज करो फिर डॉपिंग करो और जर्मेनियम का पीएन जंक्शन डायोड बनाओ, समझे नहीं समझे। तो अगर आपने सिलिकन से पीएन जंक्शन डायोड बनाया है और जर्मेनियम से पीएन जंक्शन डायोड बनाया है, तो उसकी वैल्यूज जो होंगी वो सेम नहीं होंगी, उसकी जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, समझे समझे बच्चे। जर्मेनियम का बनाओगे तो 0.2 वोल्ट होगा वो, और सिलिकन से बनाओगे, सिलिकन का बनाओगे तो 0.7 होगा। अभी तो आपको बताया पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनता है, पीएन जंक्शन डायोड ऐसे बनता है कि आपने जैसे मान लो सिलिकन ले लिया, सिलिकन सिलिकन पूरा ले लिया, इस साइड 3 वैलेंसी वाला डॉप कर दिया, इस साइड 5 वैलेंसी, तो बन गया ना पीएन 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 जंक्शन डायोड। बट ये बना, ये कौन सा सिलिकन का बना, अगर आपने सिलिकन की जगह जर्मेनियम लिया तो जर्मेनियम का पीएन जंक्शन डायोड बन गया, तो ये केस है अच्छे फॉरवर्ड बायस का। अब रिवर्स बायस का केस क्या होता है, रिवर्स बायस का केस भी होता है, देखो अच्छे से डीपली और अंतर भी पहचानो दोनों में क्या होता है। देखो अच्छे, अच्छा आप रिवर्स बायस का ग्राफ ना इसको नीचे वाले एक्सिस पे प्लॉट कर रखा है, अगर आप देखो यहाँ पर तो फिगर में इसको नीचे वाले एक्सिस पे प्लॉट कर रखा है, तो क्या आप अंतर पहचान सकते हो कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के ग्राफ में क्या क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं, ये ग्राफ में डिफरेंसेस पहचान सकते हो अच्छे फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में। ये वाला जो है रिवर्स बायस है, ये वाला रिवर्स बायस में शो कर रखा है, रिवर्स में एक्चुअली इसको नीचे दिखा रखा है, कई बच्चे कहते हैं सर नीचे क्यों दिखा रखा है, नीचे इसलिए दिखा रखा है बच्चे कि फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है, कैसे इधर देखो जैसे बताते हैं अभी आपको, ये देखो ये हमारे पास एक डायोड है, तो आपने क्या किया ये बैटरी लगाई, ये फॉरवर्ड बायस था, फॉरवर्ड बायस में करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, ये मतलब कि एक तरीके से इस साइड में इस डायरेक्शन में देख रहे हो, अब आप ये था फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस, बट आपने क्या किया डायोड को तो सही रखा बट बैटरी पलट दी, बैटरी पलट दी, हो गया अब ये रिवर्स बायस। अब रिवर्स बायस में करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इधर से इधर होगी, रिवर्स होगी, उल्टी होगी, तो ये हो गया रिवर्स, तो करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, रिवर्स हो गई, तो उसको शो करने के लिए हमने इसको ऐसे दिखा रखा है, ये इसको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लॉट कर रखा है तो उसको हमने थर्ड क्वाड्रेंट में प्लॉट कर रखा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये इसमें तो वोल्टेज और करंट नेगेटिव है, यार वोल्टेज करंट नेगेटिव नहीं है, कहने का मतलब क्या है कि वोल्टेज नेगेटिव का मतलब क्या है, बैटरी उल्टी लगा रखी है, करंट नेगेटिव है इसका मतलब कि अब जो फॉरवर्ड बायस के केस में करंट फ्लो कर रहा है और रिवर्स में करंट फ्लो कर रहा है वो रिवर्स डायरेक्शन में, समझे समझे अच्छे से। वो तो एक बार पहले मुझे पहले बताओ अच्छे, वो सब छोड़ो पहले बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फॉरवर्ड बायस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों है, रिवर्स बायस थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों है, ये समझ में आया है या नहीं आया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव लिए रखी है वो तो ठीक है चलो, बट जो रिवर्स बायस है उसमें थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ इसलिए आ रहा है क्योंकि जब आपने बैटरी उल्टी लगाई तो वोल्टेज भी अपोजिट हो गई और करंट भी अपोजिट हो गया, तो इसलिए उसको नेगेटिव नेगेटिव पे शो कर रखा, ऑल दो उसको जरूरी नहीं आप नेगेटिव नेगेटिव पे शो करो, आप उसको पॉजिटिव एक्सिस पे कैसे भी ड्रॉ कर सकते थे, सिंपली वैसे भी ड्रॉ कर सकते थे, नीचे ड्रॉ करने की कोई नीड नहीं है,
वो तो इन्होंने एक ही ग्राफ पे फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों को ड्रॉ करने के लिए ऐसे अरेंजमेंट किया है कि ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉरवर्ड बायस को दिखा दिया जाए और थर्ड क्वाड्रेंट में रिवर्स बायस को दिखा दिया जाए। बट रिवर्स बायस के फीचर है अंतर कोई पहचानो, बच्चे मैंने कहा था आपसे अंतर पहचानो इन दोनों ग्राफ में, क्या क्या अंतर मिले आप बताओ, और इसको देख के कुछ समझ में आ रहे इस ग्राफ को देख। हाँ, वेरी गुड बच्चे। देखो पहला अंतर तो ये है कि इसमें मिली एम्पेयर में करंट मिल रहा है मतलब, और इसमें माइक्रो। अगर पहला कंपैरिजन किया है तो रिवर्स बायस में करंट ना के बराबर है, माइक्रो मतलब बहुत स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू फॉरवर्ड बायस। दूसरा ये कि इसमें एक तो आप वोल्टेज कम दे रहे हो, फॉरवर्ड बायस में आप कितनी वोल्टेज दे रहे हो, 0.6 0.8, इतनी कम वोल्टेज देने के बावजूद भी आपको अच्छा खासा करंट मिल रहा है मिली एम्पेयर में। और इसमें आप देखो कितनी वोल्टेज दे रहे हो, 40 वोल्ट, 60 वोल्ट, 80 वोल्ट, 100 वोल्ट, इतनी हाई वोल्टेज देने के बावजूद भी आपको इतना सा करंट मिल रहा है माइक्रो एम्पेयर में। समझ रहे हो बच्चे, फॉरवर्ड में आप कम वोल्टेज दे के ज्यादा फायदा हो रहा है, ज्यादा करंट मिल रहा है, और रिवर्स बेस में ज्यादा वोल्टेज दे के आपको कम फायदा हो रहा है। ये समझे नहीं समझे, समझे बच्चों? तो हमने आपको बता ही रखा है कि रिवर्स बायस में करंट नहीं मिलता अच्छा अच्छा सा, बिल्कुल बेकार करंट मिलता है, कम अमाउंट में करंट मिलता है। तो रिवर्स बायस में भी कोई पॉइंट है उसका नाम हम लेते हैं। जैसे देखो रिवर्स बायस में भी एक पॉइंट होता है अच्छे, तो अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक्चुअली रिवर्स बायस का ग्राफ एक बार हम लोग जूम करके ढंग से देख लेते हैं, रिवर्स बायस का ग्राफ है। तो रिवर्स बायस में देखो ऑल दो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है करंट बढ़ रहा है, एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब करंट एकदम से बढ़ जाता है, ये लाइन ऐसे बन जाती है, खड़ी सी हो जाती है। एक ऐसी वोल्टेज आती है जिस पे करंट एकदम से बढ़ने लग जाता है, ऐसी वोल्टेज को हम ऐसे वोल्टेज को हम जीनर वोल्टेज या ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। जैसे आप ये देखो ग्राफ में इस पॉइंट पे, ये जो गिवन पॉइंट है, इस पॉइंट पे वोल्टेज तो फिक्स्ड है बट करंट बढ़ने लग गया। देख रहे हो करंट एकदम से बढ़ गया, करंट बढ़ रहा है, फ्लैट पहला ग्राफ आ रहा है ऐसा। ये क्या हो रहा है, देखो करंट बढ़ रहा है। तो ऐसा होता है कि रिवर्स बायस में आप जैसे एक वोल्टेज पे आते ही करंट बहुत ज्यादा करंट मिलने लग जाता है हमें एकदम से, किन्हीं कारणों की वजह से। देखो जैसे मान लो ये है, मान लो मेरे पास एक डायोड है और मैंने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया। रिवर्स बायस में मतलब कैसे, ये पी है और ये एन है, पी को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ऐसे कनेक्ट कर दिया। बट एक्चुअली क्या है कि आप इसको वोल्टेज सोर्स को जब चेंज कर रहे थे, वोल्टेज बढ़ाई आपने, करंट आपको मिल नहीं रहा, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते, बट एक एक वोल्टेज ऐसी आ गई कि करंट उसमें काफी अच्छा खासा मिलने लग गया। तो ऐसी वोल्टेज का स्पेसिफिक नाम है, यहाँ पर एक बार रीड करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम इसकी लाइन को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, करंट इज वेरी स्मॉल इन माइक्रो एम्पेयर, करंट बहुत छोटा होता है माइक्रो एम्पेयर में होता है, और लगभग लगभग स्टार्टिंग में तो कॉन्स्टेंट रहता है, कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता है। बट क्या होता है कि अगर आप देखो एकदम से क्या होता है, एट अ सर्टेन हाई वोल्टेज, एक जैसे आप हाई वोल्टेज पे आ जाते हो, करंट एब्रप्टिवली इंक्रीज है, मतलब बहुत ज्यादा करंट एकदम से बढ़ जाता है। और ऐसी वोल्टेज को हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज और जीनर वोल्टेज के नाम से बुलाते हैं। अब देखो जो चाहे आपने ये फॉरवर्ड ग्राफ या रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा, इसमें ना एक चीज और जानने की होती है अच्छी सी, और ये क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। देखो ये ग्राफ है, तो इसमें आपको एक चीज अच्छी जानने को ये मिलेगी। ये आईवी ग्राफ है, ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है और ऐसा रिवर्स बायस का ग्राफ है। तो यहां पर ना बच्चों एक टर्म यूज करते हैं, डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है बच्चे, आमतौर पे ना जैसे मान लो कि एक वायर है, कॉपर वायर, इस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है, ऐसा हम बोलते हैं ना, किसी भी एक बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस फिक्स्ड होता है, मतलब एक टेम्परेचर फिक्स्ड है तो रेजिस्टेंस भी फिक्स्ड होता है। बट सेमी कंडक्टर के साथ एक अजीब चीज है, सेमी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स नहीं होता है, वो डायनामिक होता है। डायनामिक कैसे, अब देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि हम थोड़ा सा आपको ग्राफ पे आते हैं, ऐसा बताते हैं आपको। ये मान लो हम ओम्स लॉ पढ़ते थे, ओम्स लॉ में पढ़ते थे वी इज इक्वल टू आई आर, तो ऐसा सा ग्राफ आता था, ये ग्राफ आता था 10th क्लास में, आप वी और आई ग्राफ प्लॉट करते थे। मान लो ये ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, लीनियर ग्राफ है। तो मान लो मैं इस पे रीडिंग देता हूँ, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, ये आप लोग का क्वेश्चन होता था 10th क्लास में कि बताओ रेजिस्टेंस कितना है, ये 10 वोल्ट है,
ये 20 वोल्ट है ऐसे, ये मान लो ये 2 एम्पेयर करंट है, ये मान लो 4 है, बताओ कितना रेजिस्टेंस है ग्राफ में, बताओ। तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, वी इज इक्वल टू आई आर, वोल्टेज की एक वैल्यू ले लो, करंट की वैल्यू ले लो, वोल्टेज 10 हो गया, करंट 2 हो गया, रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 ओम हो गया, ऐसे आप कहोगे 5 ओम आ गया, तो ये रेजिस्टेंस हो गया हमारा। बट एक्चुअल में क्या है कि रेजिस्टेंस तो 5 ओम हमारा आ गया, चाहे आप कोई भी रीडिंग लो, हर एक रीडिंग से रेजिस्टेंस आपका 5 ओम आएगा, ऐसा नहीं होता कि रीडिंग चेंज हो जाएगी क्योंकि ग्राफ लीनियर रहेगा, बट आपको हर वैल्यू पे रेजिस्टेंस 5 ओम ही आएगा अप्रोक्सीमेट। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है, देखो अच्छा यहाँ क्या है, अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ फर्क आ रहा है, ये ग्राफ जो है नॉन लीनियर ग्राफ है, ये अब ये जो ग्राफ है नॉन लीनियर ग्राफ है, तो उसमें क्या है कि आपका जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं आएगी, मतलब वोल्टेज के साथ साथ चेंज होती जाएगी। देखो ये ग्राफ है जैसे, अब यहाँ पर खास बात क्या होती है कि डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हर पॉइंट पे रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, इसे कहते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं भाई, डायनामिक रेजिस्टेंस, मतलब जैसे हमारे पास जो कंडक्टिव डिवाइस होते हैं उसमें हम कह देते हैं ये बॉडी है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये है इसका 20 ओम है। अब सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में क्या होता है कि अगर मैं आपके हाथ में दूं और मैं कहूं कि इसका रेजिस्टेंस इतना है, तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि वोल्टेज के साथ साथ, देखो ग्राफ लीनियरिटी नहीं है, ग्राफ में लीनियरिटी नहीं है, तो वोल्टेज के चेंज होने के साथ वी तो चेंज हो रहा है, आई भी चेंज हो रहा है और आर भी चेंज हो रहा है, क्योंकि लीनियर ग्राफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वी और आई आर आप पुट करो तो आपको वी और आई की वैल्यू पे फिक्स आर मिले, आपको हर सेट ऑफ रीडिंग पे आर की वैल्यू अलग अलग ही मिलने वाली है। ये समझे या नहीं समझे, जैसे मान लो लेटेस्ट एक एग्जाम्पल है हमारा, हम एक ग्राफ सा दिखाते हैं आपको और इसमें पूछते हैं कि इस पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग पॉइंट पर रेजिस्टेंस क्या होगा, जैसे ये चलो ऐसा सा ये एक ग्राफ है और ये नॉन लीनियर ग्राफ है, तो इसमें हर पॉइंट पे अपना अपना रेजिस्टेंस होगा जिसे डायनेमिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो ये ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ वोल्टेज है मान लो 10 और करंट है मान लो ये वोल्ट है और ये 2 और यहाँ वोल्टेज है 20 और करंट है मान लो यहाँ 5, तो ये एक पॉइंट है ए एक पॉइंट है बी, बताओ भाई ए पॉइंट पे कितना होगा और बी पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना होगा। तो ए पॉइंट पे आप वी इज इक्वल टू आई आर लगाओगे, तो ए पॉइंट पे वी कितना है 10, आई कितना है 2 और आर, तो इससे आर कितना आ गया 5 ओम आ गया। तो बी पॉइंट पे क्या है, वही वी इज इक्वल टू आई आर लगाओगे आप, वोल्टेज कितनी है 20 और करंट कितना है 5 और आर 4 आ गया, रेजिस्टेंस क्या आ गया 4 ओम आ गया। तो अब एक्चुअली क्या है, दोनों ही पॉइंट पे रेजिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब कि वो जो डिवाइस है उसका रेजिस्टेंस सेम नहीं रहने वाला, वो चेंज हो जाएगा, इसलिए उसका नाम होता है डायनेमिक रेजिस्टेंस। समझे समझे बच्चों, इसे कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, इसे कहते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो अच्छा ये खत्म हो गया हमारा और अब हम आगे चालू करते हैं, बस आज आज का लास्ट टॉपिक है, इसका नाम है रेक्टिफायर, और ये काफी टाइम लग जाएगा इसको भी करने में, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे चालू करेंगे। देखो अच्छा रेक्टिफायर क्या होता है, एक्चुअली आपके मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हमारे मोबाइल फोन, हमारा जो मोबाइल फोन होता है, ये जो मोबाइल फोन है ये सब कौन से डिवाइस है, मोबाइल फोन डीसी डीसी डिवाइस है, डीसी डिवाइस है। तो मैंने आपको बता ही रखा है कि हमारा मोबाइल फोन का जो चार्जर होता है, अडप्टर जो होता है, ये इसके अंदर एक सर्किट होता है, ये खोखा जिसे कहते हैं मोबाइल फोन का, ऐसा इसके अंदर एक सर्किट होता है, ये क्या काम करता है, यहाँ से सरकार दे रही है एसी और इसको डीसी में कन्वर्ट करके फोन तक भेजता है, एसी से डीसी में कन्वर्ट कर देता है। अगर बिना खोखे के आपने फोन को लगा दिया ना अच्छे, तो फोन फूक जाएगा, पता है ना, मान लो यूएसबी केबल छिलछिला के आपने 2 वायर निकाल ली, उसे डायरेक्टली आपने प्लग में लगा दिया बिना खोखे के, तो आपका फोन फूक जाएगा, उड़ जाएगा पूरा का पूरा खत्म उसी वक्त। तो ये इसके अंदर एक सर्किट होता है, एसी टू एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, उस सर्किट का नाम क्या होता है, उस सर्किट का नाम होता है रेक्टिफायर।
रेक्टिफायर, व्हाट इज रेक्टिफायर? सर्किट विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी, एसी टू डीसी, उसे कहते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, जो हाफ वेव और फुल वेव। अभी आपको बताते हैं एक करके कैसा होता है, क्या कहानी होती है। सबसे पहले अच्छा रेक्टिफायर है, रिकॉर्ड चल रहा है, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है। मैं दो डिवाइस पे हूँ, मैं दो डिवाइस पे लॉग इन हूँ, एक मेरा लैपटॉप, एक मेरा फोन। फोन से मैंने रिकॉर्डर ऑन कर रखा है, और मैं एक्चुअली आपसे जो बात कर रहा हूँ फोन से ही कर रहा हूँ। लैपटॉप का डिवाइस जो मैंने उसको वो कर रखा है, म्यूट कर रखा है और डेफ कर रखा है, इधर देखो। अच्छे, तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी और डीसी क्या होता है, अच्छे बता देते हैं, कई बच्चों को शायद ना मालूम हो एसी और डीसी क्या होता है, तो हम ये भी दिखा देते हैं, कहीं हो सकता है बच्चों को ये मालूम ना हो। देखो बच्चे, डीसी करंट क्या होता है, जैसे मान लो एक बल्ब है और ये बैटरी है, ये एक बैटरी है। डीसी करंट में क्या होता है कि एक फिक्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, ऐसे करंट यूं फ्लो करेगा, फिक्स डायरेक्शन। ठीक है, और ये हो गया डीसी करंट। जबकि एसी करंट अजीब सा होता है, इसका सिंबल भी अजीब सा होता है, ऐसा सा चिड़िया ऐसा सिंबल होता है इसमें। इसमें करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, कभी करंट यूं जा रहा है फिर यूं जा रहा है, वो पलटता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, यूं 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 यूं, समझे बच्चे? ऐसे 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 ऐसे, डायरेक्शन मतलब रिवर्स होती रहती है। बाकी मैकेनिज्म के बारे में बात नहीं कर रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि एसी और डीसी में क्या फर्क होता है। इन एसी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्सेस इन सम इंस्टेंट, मतलब कुछ टाइम ही डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। तो अच्छा, अब ये हमारे पास है सर्किट, और इसके अंदर आपको एक चीज और जानने की जरूरत है। एक तो रेक्टिफायर आपको समझ में आ गया, एक डिवाइस आपको जानना जरूरी है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। घरों के आसपास ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं, फूक जाते हैं, कई बार हम कहते हैं लाइट चली गई, भाई ट्रांसफार्मर फूक गया। तो जो ट्रांसफार्मर के बारे में हम आपको बताते हैं, तो थोड़ा सा ना ट्रांसफार्मर को बताने से पहले आपको थोड़ा करंट की कहानी के बारे में बताते हैं। देखो एक्चुअली क्या था यार, सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी ना, वो एसी की नहीं हुई थी, सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी डीसी की। डीसी करंट सबसे ज्यादा यूज में आता था, बट डीसी करंट के साथ एक दिक्कत ये होती थी कि डीसी करंट में हीट लॉस बहुत होता था। हीट लॉस क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, 10th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग। जब किसी वायर से करंट फ्लो कराते हो तो ज्यादातर एनर्जी तो वायर के गर्म होने में चली जाती है, मतलब वायर जब वो काफी गर्म हो जाती है, जिस वायर से डीसी करंट फ्लो कराते हैं हम, तो वायर काफी गर्म हो जाती है और काफी सारी इलेक्ट्रिसिटी उस वायर से हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। तो इसलिए हमने एसी करंट को अपनाया, एसी करंट को अपनाया क्यों, क्योंकि एसी करंट में खासियत थी बच्चों। एसी करंट के साथ 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 आप ट्रांसफार्मर को यूज कर सकते हो, ट्रांसफार्मर्स को यूज कर सकते हो। अभी ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर वो डिवाइस होते हैं जो करंट और वोल्टेज को बड़ा घटा सकता है। आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो ट्रांसफार्मर क्या करते हैं कि जैसे वोल्टेज को बढ़ा दिया, करंट को घटा दिया, या फिर जो अगर वोल्टेज को घटाना है तो वोल्टेज घट गया और करंट बढ़ गया, उल्टा सीधा, मतलब वोल्टेज को घटाना बढ़ाना कुछ भी कर सकते हैं, ये काम होता है ट्रांसफार्मर्स का। तो ये ट्रांसफार्मर कुछ भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब एक्चुअल में क्या है कि अच्छा ये ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक तो जैसे पावर हाउस है, ये मान लो ये पावर हाउस है, यहाँ पर यहाँ पावर प्रोड्यूस हुई, जैसे पावर प्रोड्यूस होती है तो उसको हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे भेज देते हैं। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा देता है और करंट को घटा देता है। जैसे ही पावर प्लांट, आपने देखा होगा आईटीओ के आसपास पावर प्लांट लगे हुए हैं, देखा होगा शायद आपने आईटीओ पे देखा बच्चों। अरे अच्छा, यमुना यमुना बैंक के बाद कौन सा, यमुना बैंक के बाद कौन सा स्टेशन आता है, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, अरे अच्छा इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ स्टेशन, इंद्रप्रस्थ स्टेशन ढका हुआ है, आपने देखा होगा ढका हुआ है, क्योंकि बगल में पावर प्लांट लगा हुआ है, आप झांक नहीं सकते नीचे।
झांक नहीं सकते क्योंकि वो ढका हुआ है। तो वहां पावर प्लांट पे ना एक ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप अप, वोल्टेज को बढ़ा देता है, करंट को घटा देता है। करंट को इसलिए घटाता है ताकि जब दूर दूर तक जैसे घरों तक करंट आए, तो करंट कम होगा तो हीट लॉस, अगर आई कम होगा तो, आई कम होगा तो आई स्क्वायर कम हो जाएगा, आई स्क्वायर कम हो जाएगा तो हीट लॉस कम हो जाएगा। फिर घरों के पास एक और ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसका नाम होता है स्टेप डाउन। हमारे घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं आपने देखा होगा, वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। अब स्टेप डाउन का काम क्या क्या होता है, वो वोल्टेज को घटा देते हैं फिर से करंट को बढ़ा देते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हमारे डिवाइस को ठीक ठाक करंट चाहिए होता है और वोल्टेज कम चाहिए होती है। उस पर लिखा होता है 440 वोल्ट, ऐसे कुछ करके डेंजर सा बना होता है, ऐसा बना होता है डेंजर। तो हाई वोल्टेज, पीछे से हाई वोल्टेज आ रही होती है, उसको फिर वो लो वोल्टेज में 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है, फिर से करंट बढ़ा देता है। तो रास्ते में करंट कम आता है, जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं आपने देखा होगा, जब ट्रेन में ट्रेनों से जाते हैं तो ट्रांसमिशन केबल्स होती हैं लंबी लंबी, ऐसे ऐसे लंबे लंबे से यूं सिस्टम्स लटके हुए होती हैं, टावर्स होते हैं, उस पर वायर्स आ रही होती हैं, उस पर वायर्स टंगी हुई होती हैं, ट्रांसमिशन केबल लगी हुई होती हैं, उस पर दूर दूर तक गाँव तक बिजली पहुंचाई जाती है ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू। तो अच्छा, ये ट्रांसफार्मर का ये काम होता है, समझे या नहीं समझे आप, समझे? अच्छा, ऐसा नहीं है कि ट्रांसफार्मर सिर्फ बड़े स्केल पे यूज होता है, छोटे छोटे डिवाइस में भी ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसफार्मर, अगर आपसे कोई पूछे ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, तो आप ये कहो कि वोल्टेज को बढ़ाना घटाना या करंट को बढ़ाना या घटाने का काम ट्रांसफार्मर का काम होता है, समझे बच्चे? वोल्टेज को बढ़ाना घटाना या करंट को बढ़ाना या घटाने का काम ट्रांसफार्मर करता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से यहाँ पर क्या है कि जो हमारा सर्किट होता है, जो मोबाइल फोन के चार्जर में होता है, उस पर ट्रांसफार्मर लगा होता है। देखो ये है ट्रांसफार्मर। अब क्वेश्चन, ये ट्रांसफार्मर क्यों लगा हुआ है? देखो भाई, हमारे घर में आते हैं 220 वोल्ट एसी। अगर 220 वोल्ट हमने डीसी में कन्वर्ट कर दिया तो मोबाइल जाएगा फुक। हमारा मोबाइल तो काम करता है 9-10 वोल्ट पे, हमारी बैटरी होती है कम वोल्टेज की। तो हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, मतलब वोल्टेज को डाउन करते हैं, इसलिए हमने ट्रांसफार्मर लगाया है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर लगाते हैं, इसे कहते हैं स्टेप डाउन, इसे कहते हैं स्टेप डाउन। थोड़ा सर्किट अच्छा अभी समझ में नहीं आएगा आपको, धीरे धीरे बाद में आएगा, बट आप देखो सबसे पहले हमने वोल्टेज को क्या कर दिया, डाउन कर दिया ट्रांसफार्मर लगा के। क्यों डाउन किया? घरों में कितना वोल्ट आता है, 220। मोबाइल फोन की बैटरी कितने वोल्ट की होती है, कितने वोल्ट की होती है, 9-10 वोल्ट की, 12 वोल्ट की बैटरी होती है, ज्यादा वोल्ट की बैटरी नहीं होती, समझे बच्चे? समझे? तो अब क्या होगा, ये हमने ट्रांसफार्मर लगा दिया, तो अब क्या होगा बच्चे, अब हम आपको आगे की मैकेनिज्म बताते हैं। थोड़ा जगह मिल जाए, जगह मिल जाए, जगह मिल जाए, हाँ जगह जगह जगह, हाँ यहाँ। तो अच्छा ये है, ये हमारा मैकेनिज्म था, ये हमारा सोर्स है, ऐसा सा है यू। ये सब सर्किट किसके अंदर होता है, डब्बे के अंदर होता है, बक्से के अंदर। कौन सा डब्बा? जो हमारा वो होता है एडेप्टर के अंदर होता है, एडेप्टर के अंदर होता है सारा सारा आउटपुट। ठीक है बच्चे, तो ट्रांसफार्मर भी होता है। वैसे तो बच्चे दो चीज नहीं, दो से ज्यादा चीजें होती हैं। अगर आप एडाप्टर को तोड़ के देखो तो कई सारी चीजें निकलेंगी। एक डायोड लगा रखा होता है उसके अंदर, एक डायोड भी लगाया होता है। तो अब क्या होता है, इसमें एसी फ्लो कर रहा है, एसी की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, कभी ऐसे फ्लो करेगा, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, समझे बच्चे? इसमें भी कभी ऐसे फ्लो करेगा, कभी ऐसे फ्लो करेगा, तो कुछ देर बाद उल्टा डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, क्योंकि एसी में जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो रिवर्स होती जाती है, समझे बच्चों? समझे? अगर थोड़े टाइम के लिए ऐसा है तो कुछ टाइम, कुछ देर बाद कैसा हो जाएगा, कुछ देर बाद ऐसा ना हो कि कैसा हो जाएगा, रिवर्स। रिवर्स कैसा? ऐसा। समझे? इस तरीके से। तो अब देखो अच्छा, यहां पर दो फिगर्स हैं और उसमें दिखा रखा है कि एसी की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो फर्स्ट फिगर में दिखा रखा है कि करंट पीछे से आ रहा है ऐसे ऐसे, और सेकंड फिगर में करंट ऐसे से आ रहा है, मतलब ये आउटपुट है, आउटपुट मतलब कनेक्टेड है, ये आउटपुट कनेक्टेड है। ठीक है, सेकंड फिगर में करंट यहाँ से आ रहा है, आगे से आ रहा है ऐसे। देखो अच्छा, अब हम आपको बताते हैं फॉरवर्ड रिवर्स बायस में क्या होता है। ये जो जैसे ऐसे ऐसा जो सर्किट है, इसे हम फॉरवर्ड बायस कहते थे। ये पी है, ये एन है, पी को पॉजिटिव से, तो फॉरवर्ड बायस में करंट पीछे से आ रहा होता है, इधर देखो ऐसे। और रिवर्स बायस में क्या होता था, रिवर्स बायस में ऐसा होता था कि बैटरी ऐसे लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, तो करंट सामने से आता है रिवर्स बायस में, सामने से, समझे बच्चों?
समझे नहीं समझे? तो इसका मतलब कि जब एसी करंट फ्लो करता है तो एक साइकिल, मतलब जब करंट आगे से आ रहा है तो फॉरवर्ड बायस हो जा रहा है, और जब करंट रिवर्स हो जा रहा है, रिवर्स मार रहा है तो रिवर्स बायस हो जा रहा है। तो इसमें क्या होगा कि जिस टाइम वो फॉरवर्ड बायस होगा तो करंट फ्लो कर जाएगा, क्योंकि डायोड जो करंट है फॉरवर्ड बायस में तो फ्लो करने देता है। इस केस में तो हमें करंट मिलेगा, इस केस में तो करंट मिलेगा, फॉरवर्ड बायस में करंट मिलेगा, बट इस केस में करंट नहीं मिलेगा, नो करंट। क्या कर रहे हो अच्छे, मत पीटो यार, नो करंट। इस केस में करंट नहीं मिलेगा। तो इसमें आधी साइकिल में तो करंट मिलता है, बट आधी साइकिल में करंट गायब हो जाता है, तो उसका ग्राफ कैसा सा आता है अच्छे एक बार देखो। हाफ साइकिल में करंट मिलता है और सेकंड हाफ साइकिल में करंट गायब हो जाता है, उसका इसका कैसे आता है देखो, पढ़ते हैं। देखो, जंक्शन डायोड कंडक्ट्स ओनली व्हेन फॉरवर्ड बायस। अगर आप देखो डायोड में कंडक्शन, फॉरवर्ड बायस में अच्छा खासा करंट होता है, रिवर्स बायस में करंट ना के बराबर मिलता है। ना मतलब कि जीरो ही मान लो, समझे बच्चे या नहीं समझे? समझे, जीरो ही मान लो। एंड इट डज नॉट कंडक्ट व्हेन व्हेन रिवर्स बायस। अगर रिवर्स बायस में मानते हो तो करंट ना ही मिलेगा, बिल्कुल ना के बराबर, मतलब जीरो ही मिलेगा, तो नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट फ्लो करेगा, और जब कि नेगेटिव हाफ साइकिल में, मतलब रिवर्स साइकिल में करंट नहीं मिलेगा, तो जो आउटपुट होगा वो सिर्फ ओनली वन डायरेक्शन में होगा। अगर आप देखो आउटपुट, जैसे ये इनपुट साइकिल दिखा रखी है, ये फिगर, ये इनपुट साइकिल ऐसे है। एसी करंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था साइक्लिक फॉर्म में, क्यों? क्योंकि एसी करंट बढ़ता घटता है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहती है। देखो अच्छा, जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो डीसी करंट और एसी करंट में एक फर्क होता है। डीसी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, डीसी करंट इज फिक्स्ड एंड एसी करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। क्यों? ये नीचे वाला और पॉजिटिव वाला क्या शो करता है? नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला शो कर रहा है कि ऊपर और नीचे में डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गई है। जैसे आप देखो एक दो फिगर हमारे ऊपर सामने, तो एक में डायरेक्शन ऑफ करंट अलग डायरेक्शन में है, दूसरे में अलग में है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जा रहा है। समझे नहीं समझे बच्चों? बोलो भाई। वो अच्छे छोड़ दो, अभी फिलहाल होता है, होता क्यों है अभी छोड़ दो, बट फिलहाल होता है, इतना जानो कि डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो जाती है। तो जब करंट फॉरवर्ड बायस में है, जैसे आगे की तरफ है, यूं करंट यहाँ तो वो जाने दे रहा है, सीधा सीधा तो जाने दे रहा है आगे की तरफ, बट पीछे की तरफ नहीं आने दे रहा है, ये कैंसिल कर दे रहा है। तो करंट सिर्फ आगे आगे जा पाएगा, एक ही एक डायरेक्शन में जा पाएगा, और जब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा पाएगा तो वो अब एसी ना रह के डीसी हो जाएगा, डीसी हो जाएगा। क्यों? एसी और डीसी में फर्क ही क्या होता है भाई? एसी और डीसी में यही तो फर्क होता है, डीसी करंट रिवर्स दोनों बोथ डायरेक्शन में फ्लो करता है, बोथ रिवर्स भी हो सकता है, बोथ, ये होता है एसी, और डीसी रिवर्स नहीं होता भाई। देखो अगर एक वायर है, अगर इसमें करंट जैसे राइट साइड फ्लो कर रहा है, फिर ऑफ हो गया मान लो, चलो पहले फ्लो कर रहा था फिर ऑफ हो गया, बट फिर अभी भी राइट साइड में फ्लो कर रहा है, तो ये डीसी हुआ। बट एसी कैसे हुआ? पहले मानो राइट साइड में फ्लो कर रहा था, ठीक है, फिर अब वो लेफ्ट साइड में फ्लो कर रहा है, तो एक तरीके से ये क्या हो गया? एसी हो गया। समझे बच्चे? तो अब हो क्या रहा है कि डायोड में क्या है, डायोड लगाने से क्या हो रहा है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट अलाउ कर रहा है, ये वाला तो जाने दे रहा है, बट उल्टा होते ही वो जाने नहीं दे रहा, ब्लॉक कर दे रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो डीसी मिल रहा है, ये हमारा इनपुट है तो वो हमारा आउटपुट है। देखो अभी इनपुट आउटपुट दिखाते हैं हम, ये जो है इनपुट दे रखा है, ये इनपुट है हमारा, इनपुट में हमने दिया एसी और आउटपुट में हमें ऐसा मिला। ये परफेक्ट डीसी तो नहीं है, बट ये फ्लक्चुएटिंग डीसी है। अभी परफेक्ट डीसी और फ्लक्चुएटिंग डीसी में क्या है, देखो एसी और डीसी में फर्क क्या है? देखो इसमें नीचे वाली साइकिल भी दिख रही है, ये नीचे वाली रिवर्स साइकिल दिख रही है, ये इसको एसी बनाती है रिवर्स साइकिल, समझे अच्छे? नीचे वाली साइकिल, नीचे वाली साइकिल डायरेक्शन रिवर्सल शो कर रही है, डायरेक्शन का रिवर्स हो जाना, और इसमें नीचे नहीं है, ये नीचे है नहीं, मतलब डायरेक्शन रिवर्स नहीं कर रही है, एक ही डायरेक्शन फ्लो कर रहा है, बस ये दिखा रहा है कि एक डायरेक्शन में कभी करंट बढ़ जा रहा है, घट जा रहा है, बट रिवर्स नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो ये जो आउटपुट है ये डीसी है, बट पल्सेटिंग डीसी है। कैसा है? पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी का मतलब क्या होता है कि एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, राइट साइड ही फ्लो कर रहा है, बट करंट की वैल्यू बढ़ और घट रही है। समझे बच्चों? समझे? इसे इसे कहते हैं पल्सेटिंग डीसी, इसे कहते हैं पल्सेटिंग डीसी। आई बात समझ में? हाँ बोलो अच्छे।
हाँ, बच्चे बताते हैं, बच्चे बताते हैं। अभी एक्चुअली क्या है कि हमारे फोन के अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं होता, अभी हम हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। तो बिल्कुल पड़ेगा, सही कह रहे हो आप, पड़ेगा। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमने आगे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है, फिर हम आपको बताएंगे। और फिल्टर सर्किट भी होता है जिससे पल्सेटिंग डीसी को फिक्स्ड डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। आगे मतलब काफी कुछ पढ़ना है आपको नेक्स्ट क्लासेस में, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि कैसे हम और भी सर्किट लगा करके ढंग का सर्किट बनाते हैं। सिर्फ इतना नहीं है जितना हम पढ़ रहे हैं। देखो, फिर आपको पल्सेटिंग डीसी की जगह फिक्स्ड कॉन्स्टेंट डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाद में, वरना सही कह रहे हो। ऐसे तो अगर पल्सेटिंग डीसी डीसी की वैल्यू घटती बढ़ती रहेगी तो फोन की बैटरी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि फ्लिकरिंग करंट नहीं होना चाहिए, करंट कॉन्स्टेंट होना चाहिए डिवाइस को। समझे अच्छे? अगर ऐसे ही बढ़ता घटता घटता करंट अगर डिवाइस को मिलता रहेगा तो डिवाइस के खराब होने के चांसेस हो जाएंगे हमारे, मतलब बैटरी वैटरी खराब हो सकती है, क्योंकि डीसी डिवाइस सेंसिटिव होते हैं ना काफी ज्यादा वोल्टेज को लेकर। आप एसी डिवाइस भी वैसे ऑल दो सेंसिटिव भी होते हैं, बट डीसी में काफी ज्यादा सेंसिटिविटी होती है, वो जल्दी फूक जाते हैं, डीसी में फूकने के चांस जल्दी होता है। तो ये देखो अच्छे, ये हमने बताया आपको। तो वैसे तो अच्छे हम फुल वेव रेक्टिफायर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज हमने हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा था, तो वो समझ में आया नहीं आया अच्छे। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या जाना अच्छे, हम एक बार रिकैप ले लेते हैं, एक बार रिकैप ले लेते हैं। पहला फॉरवर्ड बायस में अच्छा खासा करंट मिलता है, फॉरवर्ड बायस का आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो और रिवर्स बायस का भी आप कर्व ड्रॉ कर सकते हो। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का जो करंट और वोल्टेज का ग्राफ होता है, आईवी ग्राफ जो होता है, ये है, और इसको हम लोग आईवी कैरेक्टर सिक्स कर्व के नाम से जानते हैं। फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पेयर में करंट मिलता है, ठीक ठाक करंट मिलता है। रिवर्स बायस में माइक्रो एम्पेयर में करंट मिलता है, बहुत कम करंट मिलता है। इसमें एक वोल्टेज के बाद करंट बढ़ने लग जाता है, उसको कट इन वोल्टेज या नी वोल्टेज कहते हैं। इसमें एक वोल्टेज के बाद करंट एकदम से ज्यादा होने लग जाता है, इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। और फॉरवर्ड बायस में करंट ठीक ठाक मिलता है, रिवर्स बायस में करंट ना के बराबर मिलता है, मतलब ना मतलब जीरो भी मान सकते हो आप। फिर इसके बाद आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है बच्चों? रेक्टिफायर होता है एक डिवाइस जो किसको किस में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिर आता है ट्रांसफार्मर। क्या करता है जो ट्रांसफार्मर काम? वोल्टेज को, जैसे अगर वोल्टेज बढ़ा दी तो करंट घटा दिया, अगर वोल्टेज घटा दिया तो करंट बढ़ा दिया, वाइस वर्सा। ठीक है, घरों के आसपास लगा होता है, घरों के आसपास जो ट्रांसफार्मर होता है वो स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन लगा होता है, वोल्टेज कम करता है वो, करंट बढ़ाता है वो। दो पावर प्लांट लगे होते हैं, एक पावर प्लांट लगा होता है पावर हाउस के बगल में, एक देखो ये रहा, जो पावर हाउस के पास लगा होता है उसका नाम होता है स्टेप अप, घर के पास लगा होता है उसका नाम होता है स्टेप डाउन। समझो बच्चों, समझे? दो ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन। और उसके बाद हमने सीखा रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर के बारे में जाना। और रेक्टिफायर के अलावा, रेक्टिफायर में हमने जाना कि ये कैसे साइकिल अपोजिट होती है, ऐसे एक फॉरवर्ड बायस है ऐसी साइकिल है, फिर उसके बाद जो साइकिल है रिवर्स कर जाती है, मतलब ऐसे रिवर्स हो जाती है साइकिल, ऐसे रिवर्स होती जाती है। तो एक साइकिल, एक आधी साइकिल को वो डायोड जाने देता है और आधी साइकिल को रोक देता है, इस वजह से हमारा इनपुट ये होता है फर्स्ट, ये जो हमारा इनपुट होता है और हमें आउटपुट क्या मिलता है, ये मिलता है। और आउटपुट कैसा होता है? पल्सेटिंग डीसी। कैसा होता है? पल्सेटिंग डीसी। समझे बच्चों? अरे बच्चे समझो, समझे? चलो बच्चे आज के लिए यहीं, और अटेंडेंस ले लेते हैं फिर क्लास खत्म करते हैं। तो ब्लैंक कौन है भाई? ब्लैंक कौन है भाई? ब्लैंक नाम बताओ भाई। तुषार, 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 ओके अच्छे। ब्लैंक, ब्लैंक कौन है यार ये? दिशांत, जिया, जिया, ओम,
ऋषभ, श्रेय, त्रिमनदीप सिंह। चलो अच्छे क्लास यहीं तक कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा वैसे बोरिंग चैप्टर ही हो जाता है, थ्योरेटिकल है। कोई नहीं, अच्छे वैसे अब हम फर्स्ट चैप्टर भी चालू करने वाले हैं, क्योंकि मैंने सोचा था ऐसा कि लॉकडाउन खुलेगा तो आप भी, तो आपको भी पता होगा कोई आसार नहीं है दूर दूर तक। क्या लगता है अच्छे, क्या लग रहा है ओम, कब खुलेगा बताओ, क्या लग रहा है खुलेगा भी लॉकडाउन?